जमशेदपुर के मानगो नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव द्वारा करीब 4 घंटे तक आवेदकों से बारी बारी से मिलकर उनकी शिकायतों एवं समस्याओं को सुना गया। कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए तथा कई अन्य फरियादियों ने मौखिक रूप से भी समस्याओं को रखा। शाम में करीब 4:30 बजे शुरू हुआ जनता दरबार देर शाम 8:30 बजे खत्म हुआ। इस दौरान सभी फरियादियों ने अपनी समस्याओं को जिला उपायुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखा। पेंशन से जुड़ी कई शिकायतों का मौके पर निष्पादन करते हुए स्वीकृति आदेश दिया गया। जनता दरबार में ज्यादातर आवेदन नगर निकाय क्षेत्र में नागरिक सुविधा से संबंधित प्राप्त हुए। समता नगर रोड नंबर 12 के रहवासियों ने अनियमित पानी सप्लाई की शिकायत की, जिस पर जिला उपायुक्त द्वारा संबंधित विभागीय पदाधिकारी से कारण परीक्षा की गई। कार्य प्रगति को लेकर संतोषजनक जवाब मिलने पर स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया गया कि 9 अगस्त को 8 से 9 बजे तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा। कपाली बस्ती सोनारी में चल रहे अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिलने पर जिला उपायुक्त द्वारा तत्काल उत्पाद विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार के बीच में कार्रवाई की खबर मिलने पर स्थानीय लोगों ने काफी गर्मजोशी से जिला उपायुक्त का आभार जताते हुए इस त्वरित कार्रवाई के लिए सराहना की। बुजुर्ग अशोक सुखदेव ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की, मौके पर ही स्वीकृति आदेश दिलाते हुए अगले महीने से पेंशन राशि मिलने की जानकारी दी गई। जिला उपायुक्त द्वारा साफ सफाई को लेकर नगर प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वार्ड वार टीम बनाकर सुदृढ़ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। सफाई व्यवस्था की कई शिकायत मिलने पर संवेदक का भुगतान रोकने का निर्देश दिया गया। प्राप्त आवेदनों में स्ट्रीट लाइट मरम्मतीकरण, नाली सफाई, निजी विद्यालयों में री एडमिशन के नाम पर फीस लेने की शिकायत, जाकिर नगर आज़ाद नगर के लिए CHC की मांग जिस पर सहमति प्रदान की गई, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, टूटे बिजली के खंभों को बदलना, शांति समिति का पुनर्गठन कर युवाओं को जोड़े जाने की मांग आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। मानगो में बहुत दिनों के बाद जनता दरबार लगा है, जैसे यहाँ से पता चला तो ऑलमोस्ट 150-200 एप्लीकेशन यहाँ पे आए हुए थे। लोग शिकायतकर्ता यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हाजिर थे। मोस्टली शिकायत जो है वो मानगो नगर निगम क्षेत्र से जो नागरिक सुविधा है उनसे रिलेटेड थी, जैसे पानी का सुचारू सप्लाई होना या नाले साफ होना या जो पानी बहता है उस पानी के बहने की निकासी, पेंशन रिलेटेड मैटर, कुछ सप्लाई रिलेटेड मैटर थे, कुछ बीमारियों से रिलेटेड मैटर थे। तो हमने इन सारे शिकायतों को सुना है और हमारे जो स्पेशल एरिया नोटिफाइड एरिया है उनके पदाधिकारियों को हमने संवेदनशील होकर इन शिकायतों को देखने के लिए कहा है। कुछ शिकायतों का हमने यहाँ पर त्वरित निपटारण भी किया है। बहुत सारे शिकायतों में आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ जोड़ना है या नया आधार कार्ड को लेना है, इस टाइप की शिकायत है, उसको भी हमने फॉरवर्ड किया है और पर्सनली हम ये मॉनिटर करेंगे कि इस तरह की शिकायत है उसका त्वरित निष्पादन हो सके। ये इस तरह का हम महीने में एकाध बार या एटलीस्ट डेढ़ इसे एक महीने के बीच में हम एकाध बार JNSC MNSC एरिया में इस तरह से शिकायत जन शिकायत सुनवाई का एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, जिससे प्रशासन और लोगों के बीच में रूबरू संवाद हो, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लोग निर्भीड़ होकर सामने रखें और हम उसमें कुछ अच्छी पहल करके लोगों का समाधान कर सकें। जिनकी समस्या नहीं सुन पाए हैं उनके लिए क्या मैडम कुछ नहीं, उनकी समस्या हम जैसे जन शिकायत में लोग लिख के देते हैं उस तरह से हम उनकी शिकायत लेंगे। उस शिकायत को मैं पर्सनली पढ़ती हूँ, उस शिकायत के मार्जिनल नोट लिखे जाते हैं और हमारे जो ऑफिस है गोपनीय सेक्शन है कॉन्फिडेंशियल सेक्शन से उसका उसकी चिट्ठी जाती है, उसका पर्सनल फॉलोअप होता है और उस शिकायत को हम त्वरित निष्पादन करके उसकी हम पर्सनल कॉपी शिकायतकर्ता को भी भेजते हैं कि आपके शिकायत पे काम हुआ है या यहाँ जाके आपके एप्लीकेशन को आप सबमिट कीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन दिए हैं, उन्होंने केवल फॉर्म भरे हैं मगर उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिए हैं। जब हम ऑनलाइन फॉर्म्स चेक कर रहे हैं तो उनके साथ अटैचमेंट्स नहीं है डॉक्यूमेंट्स के, तो हम उनका नंबर लेके उनको बता रहे हैं कि आप यहाँ यहाँ पे जाके इस वक्त में ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। कुछ पदाधिकारियों को भी शिकायतें आ रही हैं कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतें हैं, जैसे कि कहीं पे नाली सफाई नहीं है, कचरे का उठाव नहीं है या फिर कुछ एप्लीकेशन पे त्वरित निवारण नहीं है। तो अभी तो हमने हिदायत दी है और मैंने इनको ये भी कहा है कि आपका जो ग्रुप है उसमें भी आप DC, ADM, ADC से आपको ऐड कीजिए ताकि हम आपके दैनंदिन कामकाज पे कार्यकालों पे नज़र रख सकें, आपका निष्पादन किस तरह से हम देख सकें।
वहाँ हम लोगों की शिकायत सुन सके और हमें एक रियल पिक्चर हमारे सामने आए कि क्या हो रहा है। और अगर ये करने के बाद भी अगर कुछ इशू नहीं होता है तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम इनको इनके खिलाफ लिख के देंगे विभाग को। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।